हाय मैं सुभाशु परिडा हूँ आप लोगों को वेलकम करता हूँ हमारा चैनल शुभांशु परिडा में जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारा चैनल में जो प्राइम सेगमेंट होते वो थे पोस्ट मार्केट एनालिसिस हर दिन मार्केट खत्म होने के बाद कल क्या होगा मार्केट में स्पेशली बैंक निफ्टी और निफ्टी के बारे में वो हम यहाँ पर डिस्कशन करते हैं अगर मेरे चैनल में आप पहली बार देख रहे हैं तो इसको लाइक कर दीजिए सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको कमेंट कंटेंट अच्छा लग रहा है जो भी मैं लेवल देता हूँ आपको यूजफुल होता है तो नीचे कमेंट करने के लिए मत भूलिए और नीचे मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है जो कि फ्री चैनल है जहां पर आपको लाइव मार्केट अपडेट और किस टाइप का मैं प्राइवेट चैनल के साथ काम करता हूं वहां पर मैं स्क्रीनशॉट वगैरह अपलोड करता हूं और उसके साथ मार्केट में अभी क्या फोचर्च जो कि आपको हेल्पफुल होगा वहां पर मैं लाइव कमेंट्री करता हूँ नीचे मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक ली, है लर्न एंड ट्रेड विध ज्वाइन कीजिए अगर मेरे साथ जुड़ के अर्निंग के साथ प्रॉफिट कमाने चाहते हैं लान भी करना चाहते हैं तो नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर है नाइन मुझे व्हाट्सअप कीजिए आपको वहाँ पर प्राइम सर्विस डिटेल सीरीज हो जाएगा अभी देखिए मैं बैंक निफ्टी का चार्ट अपलोड करके अपलोड कर चुका हूँ 15 मिनट्स टाइम मेरे मेरा जो एनालिसिस होता है फ्यूचर से होता है वो बहुत सीधी सी सि, सीधा सीधा होता है बस सपोर्ट रेजिस्टेंस और मैं दो मूविंग एवरेज जो कि 50 सौ 200 उसी हिसाब से मैं प्लानिंग बना के देता हूँ ये मेरा ट्रेडिंग सेटअप होता है जैसे कि कल का मार्केट डिस्कशन करने से पहले आज मार्केट में किस टाइप का बिहेव हुआ वो समझना जरूरी है जैसे कि मैंने आपको कल बोल दिया था कि मार्केट अगर कल गैप अप ओपन हो के नीचे गिरना शुरू होगा तो आप वहां पर बैंक निफ्टी फ्यूचर को सेल कर सकते हो पुट ऑप्शन को बाय कर सकते जिसमें आपका फास्ट टारगेट थर्टी सेवन थाउजेंड सेवन वन टू और हुआ ही एग्जैक्टली ये टारगेट आपको कम से कम दस पंद्रह ऑलमोस्ट वन आवर के भीतर अचीवमेंट हो गया जहां पर मैंने थर्टी सेवन थाउजेंड एट हंड्रेड पुट दिया था मेरे पैन सर्विस होल्डर को जिसमें ऑलमोस्ट पॉइंट्स आराम ओपन हुआ, हुआ था ऑलमोस्ट उसके ऊपर भी चला गया उसके बाद थोड़ा बहुत हुआ बट ये जो शार्प मोमेंटम आया ग्यारह ग्यारह बजे के बाद एक अच्छा खासा पुल बैक था उसके बाद फिर से दोबारा मार्केट दो कैंडल बड़ी तरफ से गिरा फिर से यहाँ पर सपोर्ट लिया थर्टी सेवन थाउजेंड वन वन उसके बाद मार्केट फिर से तो कहने मतलब बैंक निफ्टी दो साइड इनकम करने के लिए थे, एक पुट साइड एक कॉल साइड बट मैंने पुट साइड में ऑलरेडी इनकम कर चुका था 400 पॉइंट इन ऑप्शन 37,800 सेवन थाउजेंड एट तो इसलिए एंट्री नहीं लिया अगर कोई एक ग्यारह बजे के बाद कॉल लिया होगा तो उसको भी आशा खासा प्रॉफिट इनकम हुआ होगा तो बहुत साइड आज इनकम था बैंक निफ्टी में अभी मार्केट जब क्लोज हुआ एक नेगेटिव साइड में क्लोज हुआ क्योंकि 50 मूविंग एवरेज अंडर मार्केट क्लोज हुआ ठीक है तो नेगेटिव साइड होता है मान लीजिए अगर कल मार्केट ऊपर ओपन होता है ओपन होने के बाद जब भी ऊपर जाएगा जब तक ये थर्टी एट थाउजेंड फाइव थ्री नाइन लेवल के ऊपर सस्टेन ब्रेकआउट नहीं दे के नहीं रुकता है तब तक, तक हम बाइंग के लिए सोचेंगे नहीं और फ्यूचर को बाय नहीं करेंगे और कॉल ऑप्शन के बारे में सोचेंगे नहीं ठीक है क्योंकि एक तो टू हंड्रेड मूविंग एवरेज है और उसके बाद एक फ्यूचर है थर्टी फाइव एट थाउजेंड फाइव थ्री नाइन तो उसको क्रॉस होना जरूरी है अगर मार्केट का गैप अप ओपन होकर नीचे गिरा है जब ये फिफ्टी मूविंग एवरेज को क्रॉस करेगा कट करेगा इसको मूविंग एवरेज कट कहते हैं तो ये एक अच्छा सेटअप मिल जाएगा यहाँ से हम लोग बैंक निफ्टी फ्यूचर को सेल कर सकते हैं और कम से कम थर्टी एट थाउजेंड नहीं तो थर्टी सेवन थाउजेंड एट हंड्रेड फूट को हम बाय कर सकते हैं जिसमें हम ईजिली टारगेट कर सकते हैं थर्टी सेवन थाउजेंड सेवन वन टू लेवल अगर ये लेवल को भी अगर ब्रेकआउट कर लेता है ब्रेकडाउन कर लेता है तो हम इजिली इसको ट्रेलिंग करके बड़ा टारगेट कर सकते हैं मिनिमम टू मिनिमम मैक्सिमम टू मैक्सिमम थर्टी सिक्स थाउजेंड ऐट जीरो और अगर मार्केट कल गैप डाउन ओपन होकर नीचे गिरा है तो आपको फटाफट फ्यूचर को सेल करना होगा और बैंक निफ्टी पुट ऑप्शन को बाय करना होगा जिसमें आपका फास्ट टारगेट होगा थर्टी सेवन थाउजेंड सेवन वन टू अगर ये लेवल भी ब्रेक डाउन करता है तो हम ट्रेलिंग करके बड़ा टारगेट यहां पर रख सकते हैं थर्टी सिक्स थाउजेंड एट जीरो फोर अगर मार्केट कल गैप डाउन ओपन होकर ऊपर जाने के लिए कोशिश कर रहे जब ये 50 मूविंग एवरेज को कट करेगा ऊपर जाएगा तभी तो क्या करेंगे छोटा सा स्टॉप लॉस मैं आपको रिकमेंडेड नहीं करूंगा बाइंग के लिए बट छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ हम यहां पर बैंक निफ्टी फ्यूचर और ऑप्शन को बाय कर सकते हैं जिसमें हमारा फर्स्ट टारगेट होगा थर्टी होगा और वो लेवल को अगर ब्रेक डाउन कर लेते हैं तो थर्टी हमारा सेकेंड टारगेट होगा ठीक है मैं दो लॉजिक बता चुका हूं बैंक निफ्टी अगर मार्केट कल गैप अप ओपन होता है जब तक ये थर्टी थ्री लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं करता है तो मैं कॉल ऑप्शन के बारे में सोचूंगा ही नहीं अगर मार्केट कल गैप ऑफ ओपन हो के नीचे गिरा तो मैं पूट साइड रहूंगा फटाफट जब थर्टी एट थाउजेंड फोर थर्टी एट थाउजेंड लेवल को ब्रेक डाउन करेगा मैं वहां पर एंट्री कर लूंगा अगर मार्केट कल गैप डाउन ओपन होकर नीचे गिरा तो मैं फटाफट फ्यूचर को सेल करके पुट ऑप्शन में एंट्री करूंगा जिसमें हमारा फर्स्ट टारगेट होगा थर्टी थाउजेंड थर्टी सेवन थाउजेंड सेवन वन टू अगर ये थर्टी सेवन थाउजेंड सेवन टू के लेवल को सस्टेन कर लेके नीचे बैठा तो मैं फिर से ट्रेलिंग करके नि... मैं पुट ऑप्शन को लूंगा और ये अगर मार्केट कल डाउन ओपन के ऊपर जा रहा है जब ये थर्टी एट थाउजेंड लेवल क्रॉस करेगा छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ मैं कॉल ऑप्शन के बारे में सोच पाऊंगा और बैंक निफ्टी फ्यूचर को बाय बायबर मेरे जो रिकमेंडेशन होगा जब तक ये थर्टी एट थाउजेंड फाइव थ्री नाइन लेवल ऊपर नहीं जाता है तब तक मैं बाइंग के लिए सोचूंगा नहीं अभी भी मुझे मार्केट वीक अभी भी मुझे फील हो रहा है बैंक निफ्टी अभी भी वीक है ठीक है अगर समझ में नहीं आ रहा है तो बार बार इसको फॉरवर्ड करके देखिए लेवल समझ में आ जाएगा निफ्टी जैसे कि मैंने आपको कल के वीडियो में बोल दिया था अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है कि गैप ऑफ ओपन होता है होने के बाद अगर मार्केट गिरना शुरू हो जाता है तो हम यहाँ पर फटाफट क्या कर सकते हैं पुट ऑप्शन के लिए सोच सकते हैं निफ्टी फ्यूचर को सेलिंग कर सकते मैं वहां एग्जैक्टली वहां क्या सेवनटीन थाउजेंड फोर सेवेंटीन थाउजेंड फूट को फोर्टी में बाय करने के लिए दिया था और ऑलमोस्ट ये जो हमारा जो सपोर्ट लाइन था सेवनटीन थाउजेंड सिक्स फाइव तक तो टारगेट इजीली एक्टिवेटेड होगा जो मुझे कल का वीडियो देखे होंगे उसको आराम से लेवल पता चल गया होगा ठीक है तो फोर्टी से मैंने बाय किया था और वन ज़ीरो फाइव में मैंने सेल किया क्योंकि मुझे मार्केट सुबह से पता था कि नेगेटिव टर्न होगा बट सबसे इंटरेस्टिंग है कि ग्यारह बजे के बाद जब ये सेवेंटीन थाउजेंड सिक्स फाइव लेवल के ऊपर सस्टेन कर लिया मार्केट यहाँ से फिर से एक ट्रेंड देखने को मिला कॉल ऑप्शन ऑलमोस्ट जहां पर मार्केट ओपन हुआ था ऑलमोस्ट वहां तक रीच हो गया उसके बाद थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत एक माइ मार्केट एक साइडवेज में गया बट जहाँ मार्केट ओपन हुआ था वहीं पर हुआ पर आज निफ्टी में भी दो साइड इन प्रॉफिट देखने को मिला एक पुट और कॉल मैं पुट साइड में बुकिंग कर चुका था तो इसलिए मैं एंट्री मेरा जो कंडीशन होते अगर एक बार मैंने प्रॉफिट कर चुका हूँ मैं दोबारा मेरे पेड सर्विस क्लाइंट्स को ट्रेड नहीं देता हूँ खुद भी ट्रेड नहीं करता हूँ ठीक है मार्केट जब खत्म हुआ तो 50 मूविंग एवरेज के नीचे ऊपर जाने के लिए कोशिश कर रहे तो जो रिस्की ट्रेडर हो गए छोटा मोटा दस बारह पॉइंट एस के साथ बाइंग कर सकते हैं निफ्टी फ्यूचर को कॉल ऑप्शन को बाय कर सकते हैं जिसमें उनका फास्ट टारगेट होगा सेवनटीन थाउजेंड फोर फोर जो सेफ ट्रेडर है जिनको रिस्क ही लगता है वो बाय नहीं कर पाएंगे वो बाय करेंगे 17,448 लेवल के ऊपर जब मार्केट सस्टेन करके ब्रेकआउट करेगा क्योंकि ये 5200 मूविंग एवरेज के अंदर जब भी मार्केट घूमता है एक साइडवेज में चला जाता है यहाँ पर सिर्फ ऑप्शन सेलिंग अच्छे से काम करता है और बाइंग के लिए बार बार स्टॉप लॉस हीट होता है अगर बाइंग कर रहे हैं तो एक दो लॉट मिनिमम क्वानिटी बड़ा स्टॉप लॉस रख के काम कर पाएंगे नहीं तो अगर स्क्पिंग कर रहे हैं तो पहले ही आप नौ पंद्रह में एंट्री कीजिए अदरवाइज इसके बाद आपको ट्रेड देखने को नहीं मिलेगा अगर मार्केट इस रेंज में मार्केट अगर फंस गया सेवेंटीन थाउजेंड थ्री हंड्रेड से लेके टू फिफ्टी से लेके कर फोर फोर फिफ्टी तक और सेफ ट्रेड जॉब ये फोर फिफ्टी लेवल के क्रॉस करेगा सस्टेन करेगा यहाँ से आपके लिए एक प्रॉपर बाइंग अपॉर्चुनिटी बन जाएगा निफ्टी कॉल ऑप्शन को सेल बाय कर सकते हैं जिसमें बहुत बड़ा टारगेट देखा और इसके साथ आप थोड़ा सा माइंड में ये रखिए कि एक्सपायरी भी आ रहा है परसों है तो ये सब देख के आपको ट्रेडिंग क्योंकि ऐसे नहीं हो जाए कि आप अगर फंस जाएंगे तो एक्सपायरी होने तक वो जीरो हो जाएगा प्रीमियम ठीक है और अगर मार्केट कल अगर ओपन हो के नीचे गिर है जब ये फिफ्टी मूविंग एवरेज को कट करेगा 17,250 थाउजेंड टू फिफ्टी लेवल को जब ये ब्रेकडाउन करेगा यहां से आप पुट ऑप्शन प्रॉपर पुट ऑप्शन बन जाएगा आप यहां पर वेट टाइम बर्बाद नहीं करके आप फटाफट निफ्टी फ्यूचर को सेल कीजिए और यहाँ पर निफ्टी पुट ऑप्शन को बाय कीजिए जिसमें आपका फास्ट टारगेट होगा सेवनटीन थाउजेंड सिक्स फाइव अगर ये लेवल को भी अगर ब्रेक डाउन कर लेता है सेवनटीन थाउजेंड सिक्स फाइव तो आप आराम से ट्रेलिंग करके बड़ा यहाँ पर हम लोग टारगेट कर सकते हैं ठीक है और अगर मार्केट कल गैप डाउन ओपन हो के नीचे गिरा है तो फटाफट निफ्टी फ्यूचर को सेल कीजिए और पुट ऑप्शन को बाय कीजिए जिसमें आपका फास्ट टारगेट होगा सेवनटीन थाउजेंड सिक्स फाइव अगर मार्केट कल गैप डाउन ओपन होकर ऊपर जाने के लिए कोशिश करे जब ये सेवनटीन थाउजेंड टू फाइव सिक्स लेवल क्रॉस करेगा फ्यूचर में आप छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ रिस्की ट्रेडर बाय कर सकते हैं और जो सेफ ट्रेडर है अभी के लिए आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं बनता है जब ये सेवनटीन थाउजेंड फोर फिफ्टी लेवल के ऊपर जाएगा तभी चाहे आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगा अदरवाइज मेरे हिसाब से यहाँ पर आपका बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं बनता है ठीक है तो मैं दो लॉजिक बता चुका हूँ निफ्टी में अगर मार्केट कल गैप ऑफ ओपन होकर ऊपर जा रहा है छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ आप बाइंग कर सकते हैं अगर नीचे गिरा है तो फटाफट निफ्टी पुट को सेल कीजिए और पुट ऑप्शन को बाय कीजिए अगर मार्केट कल गैप डाउन ओपन होकर नीचे गिर रहा है फटाफट निफ्टी फ्यूचर को सेल कीजिए और पुट ऑप्शन को बाय कीजिए सेवनटीन थाउजेंड सिक्स फाइव तक तो ये आपका फास्ट टारगेट होगा अगर गैप डाउन ओपन होकर ऊपर जा रहा है तो जो रिस्की ट्रेड है छोटा मोटा स्टॉप लॉस के साथ आप ट्रेडिंग कर सकते हैं जो सेफ ट्रेड है उनके लिए लेवल है सेवनटीन थाउजेंड फोर फिफ्टी लेवल के ऊपर जब रहेगा तभी जाके आप प्रॉपर बाइंग यहां से कर सकते हैं तो मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में दो लेवल बता चुका हूं इसको इसको को करने से आप खुद क्योंकि ये मेरे ट्रेडिंग सेटअप है सीधा सा सिंपल सा सपोर्ट रेजिस्टेंस और मैं जो देता हूँ फ्यूचर से एनालिसिस करके देता हूं ठीक है मैं इंडेक्स में नहीं देता हूं जो लेवल होता है फ्यूचर के हिसाब से होता है इसको फॉलो करने से खुद रिसर्च कीजिए नहीं तो आपका फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ लीजिए तो अगर मेरे चैनल में पहली बार देख रहे हैं इसको लाइक कर दीजिए सब्सक्राइब कर दीजिए नीचे मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है लान एंड ट्रेवल सुबांगशु सु ज्वाइन कीजिए जहाँ पर मैं आपको लाइव मार्केट अपडेट करूँगा उसके साथ किस टाइप का मैं पेड सर्विस के साथ काम करता हूँ वहाँ पर मैं स्क्रीन वगैरह अपलोड करता हूँ तो आज के लिए इतना ही तो आशा करता हूँ आपका एक कल प्रॉफिटेबल डे निकल जाएगा थैंक्स फॉर वॉचिंग दैट फिर मिलते हैं कल